ये क्या हो रहा है, दिन पर दिन सारे प्रकट होते जा रहे हैं। गाइस ये है देखो समंदर में किस टाइप का बवंडर बनता है, थारा भाई जोगिंदर कहता है। अभी आपको एक और मैजिक दिखाया जाएगा। तो ये मैजिक कहाँ से चलता भाई? प्रेस द बटन। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी? तो यार आप सभी का स्वागत है हमारे अनदर एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर। तो गाइस आज हम आ रहे हैं अल्बर्ट हॉल एंड इसका नाइट व्यू ना गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम है यार। हम कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे, अंदर जाकर के म्यूजियम दिखाए थे, ठीक है ना। बट वो लो क्वालिटी के अंदर था, बट ये हाई क्वालिटी के अंदर, क्योंकि ये कैमरे से शूट हो रहा है। तो एक बार मैं कहूँगा भाई मेरे दोस्त से, कैमरामैन नहीं है दोस्त है, तो एक बार आप नाइट का व्यू दिखाओ अल्बर्ट हॉल का। एंड गाइस यार नाइट का व्यू, मैं कुछ सिनेमेटिक सीन है जो वो भी मैं डाल दूंगा एंड कई सारी क्लिप है वो भी। एंड कल हम जाने वाले कहीं इंटरेस्टिंग जगह घूमने के लिए एंड नॉलेजेबल जगह के लिए। तो यार बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ब्लॉग आने वाले हैं कंटिन्यू, एंड प्रैंक वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीज़ आएंगी। तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं कल सुबह, ओके। तो गाइज यार अभी हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए सबसे मज़ेदार पैलेस यानी कि साइंस पार्क यार। एंड यहाँ पर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आपको जो दिख रहा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट इसके सामने जस्ट देखो, सामने अपोजिट साइड ये सेम वही चीज़ है। अगर आप यहाँ पर बोलते हो तो वो आवाज़ वहाँ पर गूंज करके वापस से आती टकरा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब हम सामने कुछ बोलते हैं ना तो वहाँ पर भी आवाज़ जो है ना रिफ्लेक्ट होकर के आती है, यानी कि ये आमने सामने इसलिए लगाया गया है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऐसे बोलते आ मेरी जान, वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। एंड ऐसे एक साउंड का सोर्सेस और भी है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस आवाज़ जो है ना गूंजती है, बट उससे पहले इधर आप देख लो और इसको है ना पोज करके पढ़ लेना यार। इसको पढ़ने के बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा। आ मेरी जान हेलो तो ऐसा होगा सीन। और भी बहुत सारी चीज़ें देखो है जो अभी मैंने बोला ना, सब वही करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यहाँ बोल रहे हो वहाँ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप बोलते हो ना तो वो आवाज़ वहाँ जाकर रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तो वो आपको ही सुनाई देती है। ऐसा सीन होता है साउंड का प्रोड्यूस होने का, ठीक है। एंड एक चीज़ और, ये देखो ये है सिर्फ पत्थर ही है ना, और इसको हम इससे बजाएंगे और देखो अलग अलग टाइप की मतलब आवाज़ आएगी। तो इस टाइप से यहाँ से म्यूज़िक बजता है, यानी कि इसकी जो मतलब लेंथ जिस टाइप से बढ़ी जा रही है ना इस पत्थरों की, वो इस टाइप से, और उसके बाद जो इसका मतलब कि जो ध्वनि स्वर है ना वो और भी ज़्यादा मधुर हो जाता है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आओ और दिखाते हैं आपको। ये वाला सीन जो है साइंस पार्क के अंदर ही होता है, बिकॉज मेरे को गर्मी लग रही थी, इस चक्कर में देखो पसीने से गीला हो गया। अब यहाँ चलते हैं इधर, ये देखो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और सामने जिंदा डायनासोर है यार, सामने जिंदा डायनासोर आ जाओ। अरे इधर से चलो, मैं गोद में ले चलता हूँ। हाँ नहीं चलो ठीक। तो गाइस ये है बहुत ही लंबा ब्रिज। राम 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 राम। और ये स्लाइड है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग करने। माँ लेके जा रहा हूँ, एक सेकंड तो चलते हैं। अरे भाई अरे 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 भाई अरे भाई ऐसा मत कर, अबे नहीं नहीं अबे नहीं। जल्दी आ मेरी जान, जल्दी आ जल्दी आ। ओ भाई 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 ये रहा पुल। ओ भाई साहब, अबे ये क्या है, मैं धरती के नीचे जा रहा हूँ। गलत सीन नहीं, ले चलो दूसरी जगह। ये वाला सीन हुआ, एक बार दिखा तो सही, पैसे दिखा। ये वाले 1 रुपए के चलते नहीं है, ये वाला जो है ना 1 रुपए चलता नहीं है।
अब इसका नाम डालेंगे हम तो ये क्या स्किन बता नहीं नहीं अब ये देखते क्या बोलता है, किधर से डालने का डायनासोर की आवाज सुने डाल और सुन 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 चोइंगम चिपका ये और लिख दिया 1 रुपए का बड़ा वाला सिक्का अपना दिमाग नहीं चलेगा तो नहीं जाएगा तो जबरदस्ती को डाल रहा है मेरी बात सुन जाने दो फिर क्या है? अभी नहीं है मेरा फेवरेट सिक्का हटा गाइस इसकी आवाज सुनकर आपको कैसी लग रही है एंड गाइस ये चीज है फोर्स के ऊपर एक सेकंड यार इनके बारे में एक्सप्लेन करने तो मेरी सब्सक्राइबरों को तो गाइस ये फोर्स जितना फोर्स नीचे लगाओगे ये फोर्स लगा करके उतना ही ऊंचा लेके जाएगा तो वीडियो पॉज करो और सेम डायलॉग इसको पढ़ लो बेकार है लेको मेरे को करने दो फिर अगर बेकार मामला किसका नहीं खराब हो गया बे अरे इसको झटके से नीचे खींच के छोड़ो यार है ना ऊपर अभी देखना गए ना ओ माय गॉड अरे बनाते सही ट्राई गई मैं करता हूँ ये पहले सही जाता था अब मेरे को भी जाना इस पहले सही जाता था अब नहीं यार वो मजा नहीं है इसकी चड्डी दिख गई रेड कलर की एडिडास ओ भाई ये तो उड़ जाएगा ये तो उड़ जाएगा जल्दी पकड़ अरे अरे बहुत गर्म लगा तो गाइस अभी हम चलेंगे अंदर एंड देखते क्या सीन है क्योंकि हमारे को नहीं पता तो तारा मंडल भाई मेरे सामने से गेट अब पता नहीं हमारा जो किस चीज़ का टिकट कटवाया हमारे भाई साहब ने अब सस्ता सा नशा करके टिकट कटवाए हो गए तो मैं नहीं जानता भैया लेकिन अंदर तो जाना ही है क्योंकि अंदर का ही तो मेन चीज़ है जो आपको दिखाना यार और नहीं होगा तो एक टिकट कटवा के आना पड़ेगा मेरे को तो अंदर जाना ही पड़ेगा अंदर जाने का एंड अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें जैसे 3D शो एंड बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें जो आपको देखने को मिलने वाली हैं तो गाइज यार अभी हम आ चुके हैं अंदर एंड अंदर आकर के हमको ये पहनना पड़ा है बिकॉज थोड़ा वो सुनना भी पड़ा है तो सुनना पड़ता है यार क्योंकि वो थोड़ा टसन वसन एंड एक चीज़ यार क्वालिटी मैटर ना करे इस चक्कर में एंड यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें जो आपको दिखेंगे कॉस्मिक फेस कॉस्मिक यानी कि इसके अंदर आपको है ना सारे टोटल ब्रह्मांड की ज्ञान मिलने वाली है तो इसको आप स्किप बिल्कुल भी मत करना वहाँ तक कि अगर हमारे मजाक मस्ती को स्किप कर दियो तो यार इसको आगे स्किप मत करना आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग अमेजिंग वो आपको देखने को मिलेगा तो वो चीज़ हम ही दिखाएंगे अंदर वैसे ठंडा है तो ये बहुत अच्छी बात है एंड अंदर देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एंड यहाँ पर सारे गैलेक्सी से रिलेटेड है तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ दिखाऊंगा और एक सबसे अमेजिंग चीज़ जो है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले किया था वो आपको दिखाऊंगा अच्छा एंड ये है शायद हमारा टच तो देखो यहाँ पर आपको मैं सारे एक एक वो जो मतलब कि जितने भी प्लेनेट है वो मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारा सन है तो हम यहाँ पर वो टच करेंगे और टच करने के बाद जस्ट सामने हमको दिखाई देगा तो सबसे पहले हम देखेंगे वेनस का तो वेनस इसके बारे में पूरा ये डिटेल है एक बार मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ वाइज ये गाइस ब्लॉग बड़ा हो जाएगा बट आपके नॉलेजेबल वाली होगी तो इसके अंदर आप इसको मतलब कि पोज करके देख सकते हो एंड ये देखो यार गाइस ऐसा सिस्टम है अब हम देखेंगे अर्थ को अर्थ नेपच्यून वरुण अर्थ तो गाइस ये है हमारा अर्थ और ये हम अर्थ के अंदर है और ये बाहर के दो प्राणी सॉरी मजाक कर रहा हूँ अंदर के प्राणी है अर्थ के अंदर के प्राणी तो एंड चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एंड जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह है वो किस टाइप से मतलब ये शायद मेरे ख्याल से दूरबीन होगा इन एक मूवी है हमारी इंडिया के अंदर चलती थी मारुति यानी कि हनुमान जी की एंड बाकी डिटेल्स यहाँ पर है क्या हुआ एरर आ रहे क्या लगता है गाइस वहाँ पर हमारे चांद पर अटक चुका है पबजी अबे तू हर जगह पबजी स्टार्ट ये तो गैलेक्सी के साथ पबजी खेलना चाहता है आपके ना काम की चीज़ें यार गाइस इसको ना आप स्टडी रूप में बहुत ही अच्छी तरह देखो यार मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कैसा समझाया बट जैसा भी समझाया ना मेरे हिसाब से तो यार लगभग ठीक ही है एंड आपको कैसा मतलब समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पर क्या वीडियो बनाना अलाउ नहीं है है ना बट मैंने सिर्फ और सिर्फ परमिशन लिया है आप लोगों के लिए कि मेरे कई सब्सक्राइबर बच्चे हैं जो वीडियोज़ देखते हैं उनके लिए उसको देखो बटन दबाते
ये लेजर लेजर हाँ अब इससे होगा क्या? तो कुछ तो होगा ही। वैसे तो गाइस मैंने साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ बट मैं ना इनके बारे में बहुत ही कम जानता हूँ बिकॉज हमने साइंस मैथ की क्लास के अंदर भी फुल फनी किया था। एंड यार ये है हमारा स्पेस सेंटर एंड यहाँ से हम अपने सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने। तो गाइस यार एक चीज़ और, यानी कि हमारे जो अर्थ पे जो वेट होता है, हमारा वेट जो होता है वो मेरा भी समथिंग 70 है ना, तो वही वेट अगर हम दूसरे जगह यानी कि देखे मतलब तोल करके देखे तो कितना होगा, तो ये हमारे वेट तोलने की मशीन है बट ये है अर्थ के अंदर, बट हम चेक कर सकते हैं दूसरी जगह। तो ये देखो एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, मेरी है यहाँ पर यानी कि अर्थ के अंदर है 70-71 के समथिंग और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे हैं, तो एक बार मैं मर्क्यूरी पर डालता हूँ। सॉरी सिस्टम ख़राब है क्या? सॉरी हाँ, प्लूटो पे है मेरा इतना वेट है ठीक है, एंड ये है मेरा नेपच्यून, नेपच्यून पे मेरा ओ भाई साहब है ना, ये है यूरेनस पे और ये है, ये देख लो यहाँ पर धीरे धीरे मैं सारे दिखा देता हूँ। जुपिटर पे मेरा ये वेट है, मार्स पे मेरा ये है, वेनस पे ये है एंड मर्क्यूरी पे ये है। तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा जो यहाँ के मुकाबले वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना कम और ज़्यादा है। तो गाइस अब है हम कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप के करने वाले हैं बिकॉज हम बन चुके क्रेजी एक्स वाई और मिस्टर इंडियन हैकर। तो दीपक एक बार वापस से करके दिखाया जाए, ये देखना भाई। तो गाइस इसके अंदर इतना करंट है ना, अगर एक बार आपको लग जाए ना तो दोबारा लगवाने लायक नहीं रहोगे आप। एंड एक चीज़ और, मतलब कि हवा में बजने वाला पियानो, हवा में बजने वाला पियानो देखे हो क्या कभी? नहीं देखे ना तो अब देखना, एक सेकंड यहीं रहना। 3-2-1 स्टार्ट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गाइस मैं ना अभी एक जादू दिखाने वाला हूँ और वो जादू बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है बिकॉज आज तक का ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने भी नहीं किया होगा। तो दीपक एक सेकंड मैं जादू दिखाता हूँ, आप सामने आओ एंड इधर आ जा और मैं मेरी गर्दन काट के अलग कर दूंगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढास। तो गाइस यार अरे बाबा ऐसा जादू, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब बिकॉज जो है मेरी गर्दन। 3-2-1 वन यार नहीं, मैं भी जाता हूँ पकड़ा होता है हमारे यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, दिन पर दिन सारे प्रकट होते जा रहे हैं। आया आजा अबे। ये लाइट खराब है, लाइट अरे इधर आजा। बना वीडियो कंटिन्यू है क्या? चालू हो गया रे बाबा। गाइस गजब बेइज्जती है। ओह यार दीपक इसको एक सेकंड, दीपक एक सेकंड मुस्तफा अरे आराम से। तो गाइस आपको ना बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, ये देखो गाइस, ओम ओम माई का लाल आ मेरी जान। देखो कलर पिरामिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पर। तो अब चलते हैं आगे और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको दिखाते हैं। ये क्या कुआ है क्या? माय का लाल दीपक बट गाइस ऐसा है नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, है ना, इसकी लेयर बस यहीं तक की है। इसका जो मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग इस टाइप से कर रखे ना, मतलब जिसके कारण क्या ऐसा दिखाता है जैसे बहुत ही नीचे तक का, वो और कुछ भी नहीं है। देखो आप इसको पोज करके देख सकते हैं यार। अभी आपको एक और मैजिक दिखाया जाएगा, तो ये मैजिक कहाँ से चलता भाई? प्रेस द बटन। तो अभी थोड़ी देर पहले पॉपआउट हो गया था।
एंड ये कैसे होगा? तो गाइस ये क्या छेड़खानी कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ये जो है ये साउंड है, यानी कि जो कंपन होता है ना कंपन, तो कंपन क्या कैसे होता है वो देख। गाइस ये है देखो समंदर में किस टाइप का बवंडर बनता है, थारा भाई जोगिंदर कहता है तो इसी टाइप का तो बवंडर है जो जोगिंदर बोलता है। Hey, y'all come look at this. तो गाइस अभी हम आ चुके हैं दूसरे ग्रह के अंदर। देखो यार एक सबसे बेस्ट जो चीज है ना यार वो मुझे, देखो कसम से कह रहा हूँ मुझे ये जो नहीं हकीकत कह रहा हूँ, 3D की बात नहीं है, अगर बात अगर इसकी की जाए ना मेरे को इस जगह जाने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, अगर इस जगह अगर जाने का मौका मिल जाए तो मतलब कसम से यार दिल जीत लिया यार जिस टाइप से इसके पीछे की वो मतलब पहाड़ है पेड़। देखो गाइस यार कसम से मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक मतलब ऐसा लग रहा है यार। ब्रेन है ये सर मैं भी भूल गया यार, ये अपनी आईज है, हार्ट एंड ये तो आपको पता ही है जो जोगिंदर पीटता रहता है एनी टाइम। ये सर का उपचार हो रहा है क्या? हेलो आंटी जी कैसी है तबीयत? नॉलेजेबल वाली चीज तो आपके लिए ये है गाइस, आपको मतलब पता नहीं होगा कि मतलब कि कई मतलब कि कई लोग हैं जिनको नहीं पता, बाकी सबको तो पता ही है, सारे के सारे पता ही है, फुल माइंडेड लोग हैं ना इस चक्कर में। तो गर्ल्स एंड बॉयज होने के जो किस टाइप के गुणसूत्र वगैरह और क्या चीज़ होना चाहिए, एक्स वाई वाई एक्स क्या है, वो आपको देखने को आज मिलेगा। अगर जब भी डबल एक्स होता है यानी कि माता पिता के अंदर एक्स एक्स वाई वाई सॉरी डबल एक्स और एक्स वाई ये दो गुणसूत्र होते हैं ठीक है ना, जिसके कारण बच्चे और बच्ची के होने का पता चलता है ठीक है। तो यही चीज़ होता है, देखो प्रोसेस किस टाइप से है, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का, जब हम इसको करते हैं प्रोसेस तो उसके बाद क्या आएगा वो देखा जाएगा, एक्स एक्स वाई एक्स क्या है वो देखते हैं, डबल एक्स से लड़की पैदा होती है, एक्स वाई से लड़के होते हैं। तो गाइज यार आपको ये वीडियो कैसी लगी है, सॉरी गाइज यार ब्लॉग कैसा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा है ना उस जगह की टाइमिंग मेरे को जरूर बताना ठीक है ना, हम भी देखें और ठंडा पानी पी लेते पहले। एंड टाइमिंग का खास तौर पर ध्यान रखना अपने जयपुर के अंदर ही है, मैं लोकेशन मेंशन कर दूंगा, एंड सुबह 9 से 1 एंड 4 से 8 बजे तक का रहता है सारा चीज़। तारामंडल का जो है हम जो अंदर जो एक 3D शो चलता है हम उस चीज़ का इन्जॉयमेंट नहीं ले पाए बिकॉज टाइम हो चुका था, अभी जो हो रहा है टाइम 12:55 हो रहा है, 5 मिनट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता ना, तो उसका ड्यूरेशन होता है 15 मिनट का, तो इस चीज़ का खासतौर पर आप ध्यान रखना कि टाइमिंग से आओगे तभी सारी चीज़ घूम पाओगे। तो मिलते हैं अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड यार सपोर्ट बना के रखो भाई का कुछ करना है, हमको अभी पार्टी मिलने वाली है और वो हमारे को पार्टी देने वाला भी एक ही बंदा है, यही देगा पैसे देने का सीन नहीं दिखाते।